ईद में एक दो दिन रह गए हमने फेशियल करवाने के लिए, और घर पे बुलाई थी कॉलर वाली, तो कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, तो ये वाला 20 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये 20 वॉल्यूम है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। टोनर ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा। चाहिए है, ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा टोनर है लोरियल का है। तो ये वाला भी है, ये शाइनर है। ये सारे फेशियल के बाद, इनके फेशियल होने के बाद ही यूज होते हैं ये सब। तो ये इसका फेशियल का सामान है, जो वाइटनिंग फेशियल क्लीनर्स। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। डॉक्टर डर्मा का फेशियल है, बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट है। हम खुद इसको ये खुद यही यूज करते हैं। और जब हमारे कॉलर वाली हैं, उनको हमने घर पे ही हायर किया है कि चले हमारे पास टाइम नहीं है। और आपको पता है कि कॉलर में जाए तो बहुत ज्यादा रश लगा होता है, और उधर एक टाइम होना चाहिए हमारे पास कॉलर में जाने के लिए। तो कुछ ये कि हमारे हैं मिलने वाले हैं, तो चले हमारे पास कुछ टाइम निकाल के घर पे आ गए। हमारे पास कुछ टाइम निकाल के हम उन्हें घर पे ही बुला लेते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी, हमारा फेशियल वगैरह, प्लकिंग, आईब्रो, फेशियल सब कुछ घर पे ही हम करवा लेते हैं। हमें बहुत फायदा होता है इस बात का कि हमें पार्लर नहीं जाना पड़ता, और कटिंग वगैरह की भी जरूरत हो तो हम कटिंग भी घर पे ही बच्चों की, खुद अपनी मैं भी करवा लेती हूँ। कि चलें बहुत अच्छी है आपकी मेहरबानी है, घर पे आके हमारा ये सब कुछ यानी कि कर देते हैं। बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आता है, मैं खुद भी यही यूज करती हूँ। अभी डॉक्टर डर्मा की ये फेशियल यूज करते हैं, बहुत अच्छा है इनका है। तो इसको यूज करके जरूर देखिएगा। ये ब्लीच है जो मैंने यानी कि उन्होंने फेशियल करने से पहले ये हमारे यूज की है चेहरे पर। तो ये बेला ब्रांड की ब्लीच है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मेरा तो चेहरा फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे जैसे कि गर्मी का मौसम है, और चेहरे पे आपको पता है बहुत ज्यादा चेहरे पर डल हो जाते हैं, चाहे जितनी मर्जी क्रीम वगैरह यूज करो, लेकिन चेहरे की जो रंगत होती है ना, वो ढीली, इनकी रंगत खराब हो ही जाती है गर्मी की वजह से, पसीने जितने आते हैं। और ये इसकी क्रीम बहुत अच्छी है, बेला ब्रांड की। तो ये फेशियल बहुत अच्छा है, आप यूज करके हमें जरूर बताइएगा कि ये कितनी अच्छी चला, बहुत चमक उठे। सबने कहा कि बहुत अच्छा, जबरदस्त इसका रिजल्ट है बेला ब्रांड का। और हम कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज सारा कुछ वो हमने ऊपर चूल्हे पर चढ़ा दिए निकलाने। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसमें सब कुछ डाल के ऊपर गलाने के लिए, गलने के लिए रख दिया है। आगे मसीद आपको बताती हूँ। ओके, तो फिर इसको और हमने इसमें दही भी डाल दिया, एक कप दही का डाल दिया। इसमें हमने अब कढ़ाई गोश्त मसाला डाल दिया, और
के पेट्रोल डालना है। बना के दिया है मैंगो शेक बना के दिया है जो कि बहुत मज़े का बना है। और क्या हाल है आपकी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक सब को अपने अपने घर में खुश बादशाह रखे और सब ईद, जैसा कि ईद में 2 दिन रह गए हैं माशाल्लाह से, और 2 दिन में 2 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से ईद होगी और सब बहुत बिजी होंगे अपने अपने घरों में, ईद की तैयारियों में लगे होंगे और हम भी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं भी 2 दिन से आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई ईद की मसरूफियत की वजह से, और हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए हैं माशाल्लाह से, बच्चों के फुफ्फो आए हुए हैं ईद करने हमारी तरफ, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड, हम सब बहुत, यानी कि ईद अच्छी गुजरने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, तो आप अल्लाह पाक आप सबको भी ईद की खुशियां देखनी नसीब फरमाए और ईद की खुशियां देखनी नसीब फरमाए करें। तो जैसे कि आज हमने कुछ पॉलर का काम किया, सुबह पॉलर का काम करवाया, पॉलर वाले को घर पर बुला लिया था, आपको पता है बच्चों में टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पॉलर वाले को हमने घर पे ही अवेलेबल कर लिया है कि हमारे जो काम है वो घर पे ही कर जाओ, तो वो फिर हमारा फेशियल वगैरह सब कुछ करवाया हमने, तो जिससे फिर उसके बाद हमने किचन में गए, किचन में कढ़ाई गोश्त बनाई जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कढ़ाई गोश्त कैसी लगी। तो आई उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक, वीडियो हमारे और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुदा हाफिज़।